मैं उठा के देती मैम, बच्चे के तलवे पर ना मालिश कर देना, चुप हो जाएगा। मेरे बच्चे भी रोते ना तो मैं ऐसे ही करती, चुप हो जाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन? तो ड्यूटी के साथ साथ कैसे मैनेज किया? मैनेज का क्या है, 10 घंटा यहाँ पे ड्यूटी खत्म करने के बाद बाकी माँ होने का ड्यूटी। मैम, ये डबल ड्यूटी करते करते जो लाइफ में पीछे रह गई हो उसका क्या? आपके हिसाब से आगे रहना किसको बोलते हैं मालूम नहीं, पर मेरे बच्चों के हिसाब से ना मैं हमेशा ही आगे हूँ। So sweet. अच्छा तुम बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो और यहाँ तुम्हें कोई जज करने वाला भी नहीं है। सच बताना, जब से बच्चा तुम्हारी गोद में आया है तुम माँ बनी हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारे अपने सपने, इंडिविजुअलिटी सब खत्म हो गई? नहीं, इनफैक्ट जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी फ्रीडम, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पहचान को जैसे एक और पहचान मिल गई है, माँ की। आसान है तुम्हारे लिए ये सब फिल्मी बातें कहना, हाउसवाइफ हो ना, अगर एक बार भी लाइफ और वर्क बैलेंस करना पड़ जाए तो तुम्हें दुनियादारी समझ आ जाएगी। आसान नहीं था, इस नन्ही से शैतान के साथ साथ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ये बस नजरिए की बात है। मैम, गाड़ी आ गई। यू आर सीमा रस्तोगी, SSP छस। मैम, आपका पार्सल।